सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टेक्निकल वे को और बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस ऑन करने के लिए। हे नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं टेक्निकल वे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप GTA 4 सिर्फ और सिर्फ 300 MB में डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस सिर्फ और सिर्फ 300 MB में, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस्ड साइज है। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि GTA 4 एंड्रॉयड के लिए ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसे आप ऑफिशियली प्ले कर नहीं कर सकते। तो अगर आपको उसे ऑफलाइन प्ले करना है, तो कुछ मोड्स बने हैं जो कि GTA San Andreas में बने हैं, कुछ मोड्स GTA 4 के, जिससे कि आप GTA 4 का मतलब पूरा मज़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन GTA 4 आप खेल सकते हैं एक तरह से। तो गाइस, वो GTA San Andreas के कुछ मोड्स हैं और उस मोड का साइज़ है सिर्फ और सिर्फ 300 MB। तो गाइस, ये वाला जो वर्जन है वो GTA San Andreas के लाइट वर्जन में भी काम करेगा। तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, क्या ताकि आप GTA San Andreas उससे डाउनलोड कर सकें सिर्फ और सिर्फ 300 MB में। और गाइस, इस GTA 4 के मोड के लिए आपको GTA San Andreas का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, नहीं तो आपका ये गेम काम नहीं करेगा। गाइस, बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ GTA San Andreas मेरी डिस्क्रिप्शन पर दी गई वीडियो की लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको मेरी स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे और आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस, शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिए गाइस, प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए गाइस। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो अगर आपको GTA 4 डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको मेरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दी हुई है, गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आप जो सा ब्राउज़र यूज़ करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे कि ये है लिंक, मैं एक मिनट आपको पेस्ट करके बता देता हूँ। गाइस देख लीजिए, यही लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, ये एक शॉर्ट लिंक है गाइस, तो आपको स्किप करना पड़ेगा ऐड, तो इसके लोड होने तक, और फिर इसमें आपको ना 5 सेकेंड वेट करना पड़ेगा गाइस। तो लिखा हुआ है गाइस, प्लीज़ वेट 5 4 3 2 1। तो गाइस, अब आपको डायरेक्ट स्किप ऐड पे क्लिक करना है और एक नया पेज ओपन हो जाएगा गूगल ड्राइव का। तो गाइस, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि ये डाउनलोड बटन पे जाइए और गाइस ये वाला लिंक अपीयर हो जाएगा, जो कि सिर्फ 306 MB का फाइल है गाइस। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, मैं इसे दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। और जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे गाइस, तो आपको अपने ब्राउज़र में, मतलब क्या तो बोलते हैं, आपको अपने जेड आर्चीवर में जाना है, और जेड आर्चीवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप उसे डाउनलोड करना ना भूलें। तो जेड आर्चीवर में जाने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करना है गाइस, आपको एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसानी से आता है, और उस एक्सट्रैक्शन को एंड्रॉयड के डेटा फोल्डर में पेस्ट कर देना है गाइस। तो गाइस, आप एंड्रॉयड के डेटा फोल्डर में, जिसकी देख सकते हैं, मैंने पहले ही पेस्ट करा हुआ है, एक मिनट, ये देख सकते हैं, यही है वो फाइल गाइस। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका फाइल साइज आपका हो जाएगा 1013 MB। तो गाइस, देख लीजिए, वो सिर्फ 300 MB में आपको 1013 MB का पूरा फाइल साइज मिल जा रहा है। तो गाइस, उसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एंड्रॉयड के डेटा फोल्डर में कट या कॉपी कर दीजिए। और आपको GTA San Andreas का APK होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, तो ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको अपने GTA San Andreas के APK में जाना है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो गाइस, मैंने वॉल्यूम पहले से ही लो कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई देने लगे। तो गाइस, ये कुछ इस तरह का अपीयर होगा, पहले थोड़ा टाइम तो GTA San Andreas टाइप का लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो गाइस, आप जैसे कि आप देख सकते हैं, GTA 4 करके आ चुका है गाइस। ये बिल्कुल ही अच्छा मोड है मेरे हिसाब से तो, और आप जैसे चाहे, मतलब एक मिनट आवाज़ में फिर से कम कर दो गाइस। तो गाइस, देख सकते हैं कि ये GTA 4 है पूरा, मतलब फुल GTA 4 तो नहीं है, लेकिन एक हद तक GTA 4 है, जो कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में खेल सके। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहले ही गेम खेल रहा था, और ये गाइस आप देख सकते हैं, जो करेक्टर है वो पूरा GTA 4 का करेक्टर है, और इसमें आपको कुछ कुछ अच्छी अच्छी बाइक्स भी मिल जाती है, और देख सकते हैं ये एक अच्छी कार भी खड़ी हुई है। तो गाइस, अगर आपको बाइक्स चाहिए तो सबसे पहले ऊपर में ऊपर स्लाइड करना पड़ेगा, और सेकेंड वाले ऑप्शन पर चले जाना पड़ेगा, और ये बाइक्स पे जाएंगे तो ये वाला देख सकते हैं गाइस, इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सुजुकी की बाइक है,
मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स हैं और बाइक्स भी बहुत अच्छी है गाइस। तो बाइक्स और कार्स मतलब व्हीकल्स तो मस्त एकदम बेस्ट बेस्ट है गाइस। और जैसे कि आप जी टी एस एंड्रेस में आपको कुछ कुछ स्किन चेंज करने मिल जाते हैं, जी टी एस एंड्रेस लाइट वर्जन पे गाइस जो कि एंड्रो गेमर का है उस पर आपको चेंज करने मिल जाते हैं, तो आप इसमें भी स्किन चेंज कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ एक्स्ट्रा मोड्स भी इसमें ऐड है, जैसे कि देख सकते हैं एयर ट्रैफिक और वगैरह वगैरह एपिरल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा गेम प्ले भी दिखा देता हूँ इसका, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये जी टी ए 4 ही है गाइस, मतलब फुल जी टी ए 4 नहीं है, जी टी ए सैन एंड्रियास का एक जी टी ए 4 मोड है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, और गाइस इसमें कार भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी है, मतलब देख सकते हैं व्हीकल्स में जाएंगे और कोई से भी कार्स में चले जाएंगे, मतलब जैसे कि देख सकते हैं ये। तो गाइस ये कार्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी कार्स हैं और इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही मस्त मस्त कार्स हैं। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ भी मिलती है कि मतलब आप इस पर लाइक दिस आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, ये जो एग्ज़िट नीचे में लिखा हुआ है उसके बगल में जो मतलब आइकन है उस पर क्लिक करके आप अपने बढ़ा सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और गाइस शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए वीडियो को। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि मैं और भी वीडियोस लाते रहूँ गाइस। थैंक यू गाइस।